एक मिनट ये जो हर घर तिरंगे का जो अभियान चालू है 75 वर्षगांठ हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं। इस विषय पे बहुत हर घर में तिरंगा नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं नेशनल स्टील है इधर, तुम्हारे एमके हार्डवेयर है इधर, क्वालिटी हार्डवेयर है। पठान चौक का एरिया है ये, इसमें सब जगह झंडे वगैरह सब लगाए हुए हैं। मेरा घर रसीर कॉलोनी में, वहाँ पे हर घर पे झंडा लगा हुआ है। बहुत अच्छा संदेश है इस विषय पे, सभी घर में झंडा लग रहा है। ये कर रहा है, बोलिए ना, और ये हमको बड़ी खुशी हो रही है, हमारी बहुत खुशी है, हमारे देश की बर्बादी का है। तिरंगा लग रहा है, हमारे जवान जवान बच्चे गए हैं उसके अंदर, दुनिया के अंदर शहीद हुए हैं, तिरंगा लग रहा है, तिरंगा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। भारत के सब सचिन के हम, मतलब कि आपका कहना है कि जो भी भारत सरकार ने हर घर तिरंगे का जो मतलब कि एक देश की सेवा कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। मेरा भारत महान, हम यहाँ के पैदावार है, हमारा देश है, मेरा भारत महान। बोलो बोलो ना। आजादी को 75 साल हो गए, हर घर में तिरंगा, हर दुकान पे तिरंगा, हर हर तिरंगा, पूरे 75 साल हो गए हमारे देश को। बोलो काम है या एक शताब्दी महोत्सव सभी का पूरे इंडिया में 75वीं सालगिरह पे पूरे इंडिया को रोशनी से और तिरंगों से पूरा सजा दिया है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, और इसी प्रकार के आयोजन होते रहे।
और जनता में एक जागरूकता आए, ऐसी मैं सभी और हमारे सभी व्यापारी भाई घर घर हमारे मुस्लिम भाई सिख हिंदू ईसाई सभी ने इतना बढ़िया ये मतलब देखकर नज़ारा ऐसा लगता है कि मानो सारे दुनिया की आकर्षण पूरा मतलब अपने भारत में देखने को मिल रहा है। ऐसी बहुत कम चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये ऐसा कार्य होता है और मोदी सरकार ने ये 75वीं जो सालगिरह मनाई है इसके लिए मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ही हम कार्यक्रम करते रहे और लोगों में जागरूकता लाए और हमारा देश ऐसी समृद्धि पे आगे बढ़ते रहे, मैं यही विश्वास से प्रार्थना करता हूँ। अपने देश को आज़ादी के लिए 75 वर्ष हो चुके हैं, इस उपलक्ष्य में अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना लाई है हर घर तिरंगा हर पहचानों के सब में और हमारे घरों पर लगा है, सबसे लगा है, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सबने लगाया है मेरे द्वारा बाजार में और सभी जो पूर्ण वातावरण में स्वतंत्रता का ये महोत्सव मना रहे हैं ये सबको आगे बढ़ाइए कुमार साहू। मेरा नाम अशोक खंगाड़, अमरावती से बात कर रहा हूँ। और जो मोदी जी ने जो तिरंगे की घर घर की झंडा निकाले इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। यही इच्छा है कि घर घर झंडा रहे मेरा, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। नाम बोले ना तुम्हारा। नमस्ते भैया सबको, मेरा नाम शेख निसार शेख चांद, मुक्काम पोहरा बंदी। अपने 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, घर घर तिरंगा झंडा मोदी जी ने जो निकाला है हमारे देश के खातिर वो एकदम सही है और हमने सबने हमारे हर घर पे झंडा लहराया है। इसी 15 अगस्त के उत्सव पे हम सबको अभिवादन करते हैं और सिटी न्यूज का भी हम अभिवादन करते हैं, उन्होंने हमको सिटी न्यूज में बोलने का चांस दिया और हम देश को सलाम करते हैं और देश के वासी है, जय भारत जय महाराष्ट्र वंदे मातरम। Primero.
एक मिनट मोहम्मद रशीद पठान चौक। ये जो घर घर तिरंगे का जो अभियान चालू है, 75 वर्षगांठ हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं। इस विषय पे बहुत हर घर में तिरंगा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये नेशनल स्टील है, इधर तुम्हारे एमके हार्डवेयर है, इधर क्वालिटी हार्डवेयर है। पठान चौक का एरिया है ये, इसमें सब जगह झंडे वगैरह सब लगाए हुए हैं। मेरा घर असीर कॉलोनी में, वहाँ पे हर घर पे झंडा लगा हुआ है। बहुत अच्छा संदेश है इस विषय पे। सभी घर में झंडा लग रहा है, ये कर रहा है, बोलिए ना। और ये हमको बड़ी खुशी है, हमारे बहुत खुशी है, हमारे देश की बर्बादी का है। तिरंगा लग रहा है, हमारे जवान जवान बच्चे गए हैं उसके अंदर, दुनिया के अंदर शहीद हुए हैं, तिरंगा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। भारत के सब सचिन के हम, मतलब कि आपका कहना है कि जो भी भारत सरकार ने हर घर तिरंगे का जो मतलब कि एक देश की सेवा कर रहे हैं हम, माता की बोलिए मेरा भारत महान, हम यहाँ के पैदावार है, हमारा देश है, मेरा भारत महान। बोलो ना। आजादी को 75 साल हो गए, हर घर पे तिरंगा, हर दुकान पे तिरंगा, हर हर तिरंगा, पूरे 75 साल हो गए हमारे देश। में या एक शताब्दी महोत्सव सभी का पूरे इंडिया में 75वीं सालगिरह पे पूरे इंडिया को रोशनी से और तिरंगों से पूरा सजा दिया है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, और इसी प्रकार के आयोजन होते रहे और जनता में एक जागरूकता आए, ऐसी मैं सभी और हमारे सभी व्यापारी भाई घर घर हमारे भाई सिख हिंदू ईसाई सभी ने इतना बढ़िया ये मतलब देख कर नजारा ऐसा लगता है कि मानो सारे दुनिया की आकर्षण पूरा मतलब अपने भारत में देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत कम चीजें होती है जिसके वजह से ऐसा कार्य होता है, और मोदी सरकार ने 75वीं जो सालगिरह मनाई है, इसके लिए मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ही कार्यक्रम करते रहे और लोगों में जागरूकता लाए और हमारा देश ऐसी समृद्धि पे आगे बढ़ते रहे। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आजादी के लिए 75 वर्ष हो चुके हैं, इस उपलक्ष्य में अपने प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना लाई है हर घर तिरंगा हर दुकानों के सबने और हमारे घरों पे लगाए सबके लगाए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सबने लगाया मोदी द्वारा बाजार में और जो पूर्ण वातावरण में स्वतंत्रता का ये महोत्सव मना रहे हैं से। मेरा नाम अशोक खंगाड़ी अमरावती से बात कर रहा हूँ। और जो मोदी जी ने जो तिरंगे की घर घर की झंडा निकाले इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। यही इच्छा है कि घर घर झंडा रहे मेरा। जय भारत माता की जय वंदे मातरम। नाम बोले ना तुम्हारा। नमस्ते भैया सबको। मेरा नाम शेख निसार शेख चांद मुक्काम पोहराबंदी। अपने 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। घर घर तिरंगा झंडा मोदी जी ने जो निकाला है हमारे देश के खातिर वो एकदम सही है और हमने सबने हमारे हर घर पे झंडा लहराया है। इसी 15 अगस्त के उत्सव पे हम सबको अभिवादन करते हैं और सिटी ने उसका भी हम अभिवादन करते हैं। उन्होंने हमको सिटी न्यूज़ में बोलने का चांस दिया और हम देश को सलाम करते हैं और देश के वासी हैं। जय भारत जय महाराष्ट्र वंदे मातरम। ¿Dos pebenas?